संचेती रेशमी संचेती चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको सूट की परफेक्ट कटिंग का एक चार्ट बता रही हूँ, और ये चार्ट मैं आपको छोटे रूप में बता रही हूँ, और ये स्टैंडर्ड चार्ट है। इसको हम अमूमन जो अपने घर पे हम सूट कटिंग करते हैं उसमें आप इसको काम ले सकते हो, और ये सभी चेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको इसमें बता रही हूँ। तो देखिए, आपको इसकी फुल वीडियो या फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चार्ट को संचेती ऑल इन वन भी देख सकते हो, और अगर आप छोटे रूप में देखना चाहते हो तो मैं आपको चार्ट संबंधी जो है वो जानकारी बता देती हूँ। देखिए, 30 चेस्ट का आप सूट बना रही हो तो आपको आर्मो लेना है 30 का फिफ्थ भाग। एक बार अभी देखिए, एक बात और आपको बता दूं कि फिफ्थ भाग, फोर्थ भाग, थर्ड भाग, टू भाग क्या होता है। जैसे देखिए, 100 का फोर्थ भाग 25 होता है, वैसे ही 30 का फिफ्थ भाग 6 होता है। ठीक है, तो भाग, भाग का मतलब है भाग देना, जो ऊपर वाली जो संख्या होती है जिसका, इसका पांचवा भाग कौन सा होता है, चौथा भाग कौन सा है। भाग का मतलब है आप भाग दे करके उसका निकाल लीजिए। तो ये इसका मेजरमेंट निकलता है 6 इंच, तो इसमें आपको भाग लगाना होता है। भाग क्या होता है, चौथा भाग, तीसरा भाग, दूसरा भाग, भाग निकालना होता है। तो यहाँ पे 6 आ गई है हमारी आर्मोल। टोटल में आपको आर्मोल के लिए फिफ्थ भाग लगाना होगा, जो भी आपका चेस्ट मेजरमेंट है। देखिए, ये टोटल चेस्ट मेजरमेंट है और इसके नीचे आपको 5 लगाया हुआ लगता है, तो मतलब आपको पांचवा भाग निकालना है। तो हमने इसको पांचवा भाग निकाल लिया है, तो ये हमारे आर्मोल हो गई है। एकदम बिल्कुल परफेक्ट, आप 6 इंच आर्मोल लीजिए, आपका परफेक्ट सूट बनेगा। दूसरे नंबर पे हमारे शोल्डर होते हैं, तो शोल्डर देखिए, हम जितने हमारे आर्मोल होंगे उनसे आपको आधा इंच, 1 इंच इस प्रकार से कम रख लेने होते हैं। तो शोल्डर हमने यहाँ पे 11 इंच लिए हैं। आप इस चार्ट को पूरा नोट कर लीजिए ताकि जब भी आप जिस भी साइज का कटिंग करें आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी, और भी मैं समय समय पर आपको बताती रहूंगी। तो यहाँ पे शोल्डर 11 इंच, नेक विड्थ आपको 2.25 इंच लेनी है 30 चेस्ट के अकॉर्डिंग। मुड्डे हमें लेने हैं 6+1, यानी जो आपके आर्मोल है वहां आपको 1 इंच प्लस करना है। मुड्डे क्या होते हैं मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि मुड्डे का नेप क्या जरूरी होता है, कहाँ लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये आर्मोल और शोल्डर समझ ले। तो आर्मोल को मैंने अच्छे से आपको बता दिया कि आपको चेस्ट के नीचे 5 का डिवाइड कर लेना है। चेस्ट को 5 से डिवाइड करोगे तो जो भी आएगा वो आपके आर्मोल होंगे। तो आप हर चेस्ट के अकॉर्डिंग 5 को डिवाइड कर लो, वे आपके आर्मोल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको शोल्डर दिए हुए हैं, तो आप शोल्डर देख लीजिए, 34 में 12, 36 में 13, 38 में 13 प्लस 50, 40 में 14, 42 में 15, 44 में 16 और 46 में 16। तो ये जो देखिए चार नंबर है, 38 से लेकर के 44 तक हमारे हम अमूमन सूट बनाते ही बनाते हैं, और ये हमारे स्टैंडर्ड जो साइज है वो साइज होता है। तो इसमें हम जो बनाएंगे वो परफेक्ट बनेगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप नेक विड्थ लीजिएगा, देखिए 30 में 2.25, 32 में 2.25, 34 में 2.50, 36 में 2.50, 38 में 2.75, 40 में 2.75, 42 में 3 इंच और 44 में 3 इंच और 46 में 3.25 और 48 में भी आप 3.25 ले सकते हो। यहाँ पे मुड्डे अब आपको बताऊंगी, फिर भी मुड्डे में और आर्मोल में यहाँ पे 40 तक प्लस 1 करना है आपको मुड्डे में। ये देखिए 40 इंच है, यहाँ पे आर्मोल आए 8 इंच, तो मुड्डे हमने लिए हैं 8.1 यानी 9 इंच। 42 के बाद में जैसे आर्मोल आए हैं 48.4, तो यहाँ पे 8.4 प्लस 1.5 इंच यानी 1.50 ले लेंगे। इसके बाद में जो भी आपको साइज होगा 40 के बाद में, तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच प्लस करना होता है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्थी लोगों के लिए होता है, और जो मुड्डे होते हैं वो हेवी होते हैं तो उनमें फंस जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करना होगा। और ये जो अमूमन साइज होते हैं इनमें आपको 1 इंच प्लस करना होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मुड्डे क्या होते हैं और आर्मोल क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये 30 साइज का हमारे पास चार्ट है, ठीक है, कटिंग है इसके, हम फर्मा कटिंग कर रहे हैं सूट की। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 5.5 इंच शोल्डर लिए हैं, ओके है। यहाँ पे हमें आर्मोल लेने होते हैं इस प्रकार से, तो ये मैंने यहाँ पे 6 इंच आर्मोल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें मुड्ढे, जो अब आपको बताऊं कि जो नेक विड्थ है, सबसे पहले नेक विड्थ भी बता देते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये 2.25 इंच है,
तो ये हमारी 2.25 इंच नेक विड्थ हो गई है। अब मुड्डे किसे कहते हैं, तो ये जो या अब आपको पहले ये नाप भी बता देते हैं चेस्ट का। तो यहाँ से देखिए ये 7.5 इंच हो रहे हैं यहाँ से, तो ये तो हमारा चेस्ट का नाप। सूट में हम 1 इंच लूजिंग लेते हैं तो ये यहाँ हो गया 8.5 इंच, ठीक है। अब ये जो फिटिंग की लाइन आएगी ये मार्जिन की लाइन है, ये हमारी फिटिंग की लाइन है। तो यहां से जो फिटिंग की लाइन से जो आपका ये राउंड आएगा, देखिए यहां से इसको आप ऐसे पकड़िए और ये जो 7 इंच का देखिए, यहां से पकड़ने के बाद ये जो 7 इंच का जो राउंड शेप आता है यहां तक देखिए, ये जो शेप है यहाँ पे शेप लगा हुआ ऊपर से इतना हम 1/2 इंच का शेप लगाते हैं, यहां तक ये 7 इंच आते हैं। तो ये जो राउंड होता है, ये वाला जो यहां से जो राउंड होता है ये हमारा मुड्डा होता है। यहां से लेकर के यहां तक फिटिंग की लाइन तक जो ये राउंड शेप में चलता है ये आपका मुड्डा है। ये आपकी आर्महोल है, यहां से यहां तक शोल्डर लाइन से लेकर के यहां तक ये आपकी आर्महोल होती है। और ये जो शेप होता है ये हमारे मुड्डे होते हैं। तो मुड्डे हमने कितने लेने हैं, +1 लेने हैं 40 इंच तक, यानी 38 तक, 40 के बाद में आपको +1.5 इंच ऐसी गोलाई आनी चाहिए। जो आप नाप के देख लीजिए तो आपका जो कटिंग है वो परफेक्ट बनेगा, अच्छा बनेगा। आपके अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।